लॉकडाउन में हुई शादी बराती ना बैंड बाजा, बिन माँ बाप के युवक ने रचाया विवाह। बरेली। कोरोना वायरस के चलते शहर में लॉकडाउन के साथ सुभाष नगर को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, वहीं थाना प्रेम नगर के चाहा बाय निकट किशन की डेरी निवासी संजय कश्यप पुत्र कालीचरण का विवाह जुलाई में कंदरपुर बैंक ऑफ बड़ौदा के निकट रहने वाले ओम प्रकाश की पुत्री रेणु से तय हुआ था, जिसके बाद लॉकडाउन के चलते 14 अप्रैल को होने वाली शादी कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि 15 अप्रैल को लॉकडाउन खुलने की सूचना आ रही थी, जिसके चलते शादी को 17 अप्रैल के लिए बढ़ा दिया गया था। इसी के चलते संजय कश्यप ने अधिकारियों के परमिशन लेते हुए अपनी बहन शालू एवं चाचा ने चाची जयवंती को लेकर कंदरपुर गए और शादी कर बहू को विदा कर लाए। जानकारी के मुताबिक संजय के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, इस वक्त पर की गई शादी इनके परिवार के लिए यादगार बन गई है। संजय ये आपकी शादी पहले से तय थी जी? आज आपने शादी की है, किस हिसाब से की आपने? ये ऐसा हमारे घर पे इस टाइम कोई है नहीं, चक्कर में शादी मजबूरी करनी पड़ी है। मजबूरी भी करनी पड़ी है? हमारे पापा मम्मी सब एक्सपायर हो गए दोनों। अच्छा, चक्कर में शादी करनी। जयवंती, थोड़ा सा जोर से बता दीजिए। जयवंती, ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि शादी इस वक्त लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इसके बीच में शादी की गई है, तो किस तरीके की आपको परेशानियों का सामना उठाना पड़ा, क्या तैयारियां थी जो ख़त्म करनी पड़ी आपको? परेशानी ये थी, इनके माँ बाप दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं जी जी। अब ये दो भाई हैं, इन्हें खाने की परेशानी हो रही थी, इसलिए ये मजबूरी में शादी करने पड़ी। चार लोग की परमिशन ली थी, उस परमिशन से शादी सुबह 5 बजे गए थे और 9-11 बजे विदा हुआ। कहाँ के रहने वाला परिवार है? चाह भाई के रहने वाले हैं। और लड़की कहाँ की है? कांदरपुर की है, लाल फाटक के पास। तो आप लोग वहाँ से फिर पैदल ही आ रहे हैं? नहीं, सुबह आ गई, विदा हो गए। अच्छा, सुबह विदा हो गया, आ गई थी। आपका आप इनकी कौन लगती है बेटी? चाची लगती है आप?